सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ बात करने वाला हूँ वीवो Y21 मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें नोटिफिकेशन पर अपना लाइट कैसे लगाएंगे। जी दोस्तों, अगर कहते हैं कि आप नोटिफिकेशन पर लाइट को इनेबल करना, तो एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आप इसमें नोटिफिकेशन पर भी बॉर्डर लाइट लगा सकते हैं एंड इनकमिंग कॉल पर भी लगा सकते हैं। तो कैसे करना होगा इसको इनेबल, चलिए वीडियो में बता देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसको करने के लिए हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। अब सेटिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर मिलेगा एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस ऑन स्क्रीन डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन इनेबल टी ए डायनेमिक इफेक्ट विल बी डिस्प्लेड फॉर नोटिफिकेशन और विल्स कॉल्स इन इज ऑन। तो यहाँ इसको ऑन कर लेना। अब ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इनकमिंग कॉल्स के बारे में दिया है। यहाँ पर लाइट इसको भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी ऑफ है, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। अब इनेबल करेंगे तो यहाँ पर लाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स पर ऑप्शन जो है, यहाँ से आपको जो अच्छा लगे यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल रहा जलने लगे कुछ तरीके के। अब इसको चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके ट्रांसपेरेंट को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसके ट्रांसपेरेंट को एकदम पर फुल कर दिया हूँ ताकि देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई दे। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अब अप्लाई करने के बाद आपको बैक आ जाना। अब आपको नोटिफिकेशन पे भी लगाना है। नोटिफिकेशन पे लगाने के लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है आपको इसको इनेबल कर लेना है। तो मैंने इसको भी इनेबल कर लिया हूँ। अब इनेबल करने के बाद अब यहाँ से मेरे मोबाइल पर जब भी कोई कॉल आएगा या नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर बॉर्डर लाइट जो होता है वो ऑटोमेटिक जलने लगेगा। फिर आपको यहाँ पर ऊपर की मिलता है कस्टम टाइम, इसको इनेबल करेंगे तो आप यहाँ से टाइम को भी सेट कर सकते हैं। चाहते हैं कि आप इसमें कितने टाइम से कितने बजे टाइम तक यहाँ पर हमारा जो है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट ऑन रहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट मैंने 3 मतलब 3 बजे शाम को लेके रात को 12 बजे तक मैंने किया हूँ। आप भी कर सकते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।